अपने आप को पटना प्रमंडलीय आयुक्त का निजी कर्मचारी बताकर लोगों से ठगी करने वाला यह व्यक्ति आज पुलिस के हत्थे चढ़ा। नालंदा के मुगल कुआं सोसराय का रहने वाला यह व्यक्ति, जिसका नाम संजय कुमार है, लोगों को आयुक्त का ओएसडी बताकर उनसे मोटी रकम की मांग किया करता था, जिसके लिखित आवेदन प्रमंडलीय आयुक्त के लिपिक नवल किशोर शर्मा ने गांधी मैदान थाने में 12 मार्च को इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया। हाई प्रोफाइल मामला होने के कारण गांधी मैदान की पुलिस ने आनन फानन में पूरे मामले की जांच की और वैज्ञानिक अनुसंधान से आरोपी युवक को अपने ही थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्त में आए संजय कुमार के पास से 5 अलग अलग कंपनियों के सिम कार्ड, 3 कीपैड मोबाइल पुलिस ने बरामद किए। इस बात की पुष्टि आज पटना डीएसपी टाउन अशोक कुमार सिंह ने एक प्रेस वार्ता के दौरान किया। उन्होंने बताया कि प्रमंडलीय आयुक्त के लिपिक नवल किशोर शर्मा के लिखित आवेदन के अनुरूप इस व्यक्ति पर कार्रवाई की गई है। पीड़ित के पास से जिस नंबर से कॉल जाया करता था, वह नंबर संजय कुमार के पास से बरामद किया गया है, जिसके आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। ये तो अभी जांच का विषय है, पकड़ाया है ये गांधी मैदान के पास से। आज कल सुबह से? नहीं, कल शाम में ही पकड़ाया, कल शाम में पकड़ाया। स्थान परिवर्तित करते रहता है। गया से भी कुछ मामला आ रहा था इसका, गया से तारुफ। देखिए, ये तो बिहार शरीफ में काम करता था, हो सकता है गया के लोगों से भी इसने मांग किया हो इस तरह का, ये हो सकता है। तो देखा जा सकता है, अभी तक कोई इसके झांसे में नहीं आया ना, अभी तक इसके जहां से कोई मतलब फंसा हुआ और दोहित इस तरह का प्रकाश तो नहीं आया है किसी से इसने, लेकिन शिकायत इसके खिलाफ बहुत सारे लोगों ने प्रमंडल कार्यालय में किया। सर, क्या नंबर से हम लोगों को फोन आ रहा है कि मैं आयुक्त महोदय का ओएसडी, ये उसी के आलोक में ओएसडी महोदय, ये पुलिस के पास ठोस सबूत है कि केवल आवेदन मात्र से कार्रवाई की गई है? ये तो अनुसंधान और जांच का विषय है। अभी हम लोग इसका सबूत है, जो आरोपित नंबर है उसको हमने बरामद कर लिया है। जिस नंबर के बारे में बतलाया गया था, इससे कॉल किया जाता है, वो नंबर बरामद हो गया है, इसके पास से बरामद कर लिया है। जिस नंबर से ये मांगता था और उस नंबर को ही वहाँ आधार बना कर हम गांधी मैदान थाने में शिकायत दर्ज कराया गया था, वो नंबर तो इसके पास बरामद हो गया है। तो ये तो सबसे बड़ा सर, ये बहुत से बड़ा हाई प्रोफाइल मामला है। एक कमिश्नर का ओएसडी बनकर कॉल करना अपने आप में बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल मामला है, लेकिन अगर जांच होगा तो क्या वहां तक भी आप लोग अनुसंधान करेंगे कमिश्नरी तक, कि केवल बस यही तक सीमित रहेगा दायरा? नहीं, ये जांच अनुसंधान तो होगा, और जहां जो भी इसमें जिसका हाथ इसमें दिखाई देगा, जिसकी भूमिका दिखाई देगी, उनकी भूमिका के बारे में जांच होगा। ऑफिस जाते थे आयुक्त सर के, ये ऑफिस आना जाना इसका रहता था या नहीं रहता था, ये जानकारी या फिर आयुक्त ऑफिस में जाकर के पता किए कि ये जाते थे या नहीं जाते थे उस ऑफिस में? कुछ सीसीटीवी फुटेज वगैरह हो सीडीआर के आधार पर, टावर लोकेशन के आधार पर इसकी पिछली गतिविधियों को ज्ञात किया जाएगा। ठीक ठीक। माननीय पटना आयुक्त महोदय के कार्यालय के आशु लिपिक श्री नवल किशोर शर्मा के द्वारा एक आवेदन थाना को भेजा गया, जिसमें उनके द्वारा यह बात बताई गई कि आयुक्त महोदय के विशेष कार्य पदाधिकारी बताते हुए एक व्यक्ति जिसका नाम संजय कुमार, उम्र 45 वर्ष, पिता जगदीश प्रसाद, साकिन मुगल कुआं थाना सोहसराय जिला नालंदा है के द्वारा भयादोहन का प्रयास किया जा रहा है एवं इस संबंध में प्रशासनिक पदाधिकारियों को भी उस व्यक्ति के द्वारा फोन किया गया था कि मैं आयुक्त महोदय का विशेष कार्य पदाधिकारी हूँ और आपको आयुक्त महोदय के कार्यालय में किसी तरह का कोई कार्य हो, कोई उद्देश्य हो तो हमसे आप संपर्क कर सकते हैं और आपका कार्य आसानी से मेरे द्वारा करा दिया जाएगा।
उसके एवज में इसके द्वारा यह भी बोला जाता था कि काम कराने के लिए आपको हमको कुछ ये पैसे भी देने पड़ेंगे, और इस तरह से ये लोगों को, प्रशासनिक पदाधिकारियों को एवं आम जनता को भी, आम लोगों को भी फोन करता था कि किसी तरह का भी कोई काम आयुक्त महोदय के कार्यालय से संबंधित हो जो आप करवाना चाहते हो, उसको मैं विशेष कार्य अधिकारी के रूप में आपका काम को मैं करवा सकता हूँ, अंजाम दे सकता हूँ। कितने दिनों से ये कर रहे थे और किन किन लोगों को ये टारगेट करके फोन करते थे? ये कब से कर रहे थे ये स्पष्ट इसमें है क्या? ये बात स्पष्ट नहीं आई है कि ये कितने दिनों से कर रहे थे, लेकिन विगत कुछ दिनों से ये सूचना आ रही थी कि इनके द्वारा इस तरह का गलत काम कुकृत किया जा रहा है, भयाध्वन का प्रयास किया जा रहा है, और माननीय आयुक्त महोदय के का ओएसडी बन करके लोगों को बेवकूफ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। किस नंबर से कॉल किया जा रहा था और ये कितने लोगों का अभी तक चुनना लगा चुके हैं? हाँ, ये फोन का नंबर है 9473459683। इस नंबर से इनके द्वारा फोन किया जाता था। अभी कितने लोगों को ये चुना लगाए हैं इसका